शास्त्री की बीवी हूँ, लेकिन मुझे हर औरत को ये गुरूर होता है कि शायद मेरे शौहर के नाम होने पर उसकी सारी संपत्ति मेरी होगी। लेकिन मेरे पास आज एक कौड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं उस फख्र से जी रही हूँ कि मेरे शौहर ने जो दौलत कमाया है, जो समाज का दौलत है, जो वो मेरे सर पे ताज दिया है, उसका मैं जिंदगी भर कमाऊंगी। इस ताज का मैं हमेशा लाज रखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इस ताज को आप लोग निखार दें और आपके दिलों में जिस तरह से फखरुद्दीन बैठते थे उस तरह से उसके इस परछाई को भी बिठाइए। उनकी धड़कन आज की धड़कती है इस चंपारण के धरती पे। जितने लोग थे और वो कहते थे मुझसे, हर वक्त ये कहते थे कि मुझे कुछ करना है, मुझे नौजवानों को कुछ दिखाना है, बताना है, सिखाना है, उन्हें गुमराह से हटाना है, उन्हें हक की लड़ाई दिलाना है। वो हक के लिए लड़ते थे, समाज के लिए जीते थे। अपने हक के लड़ने के लिए हमें पछतावा नहीं होना चाहिए, हमें हक की लड़ाई हमेशा लड़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें हम लोग जात पात नहीं देखते हैं। हमारा ऐसा देश है, इतना खूबसूरत देश है, लेकिन लोग इसको इतना बेकार करने पर लगे हुए हैं, इसकी खूबसूरती मिटाने पर लगे हुए हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि हम लोग इसे कितना प्यार से संजो कर रखे हुए हैं। जो लोग आज़ाद किए हैं, सोचिए उन घरों में उस वक्त हमारे पूर्वजों के लिए क्या गुजरे थे। वो दिन को अगर वो एहसास कर लेते तो आज ये तीन लफ्जों में जो लोग बांट दिए हैं, CANPRRCS, इस लफ्जों से लोग जो डरे हुए हैं, ये लफ्ज नहीं आते। क्योंकि हमें आजादी, हर वक्त आजादी ये डर सता रहा है कि हम आजाद हुए थे भी या नहीं, हम आजाद हुए थे भी या नहीं, ये दूसरी आजादी क्यों, ये दूसरी आजादी क्यों हमारे हिस्से में आई है, क्यों? क्योंकि हम एक मुसलमान नहीं, क्यों? क्योंकि हम एक मुसलमान है या हम एक हिंदू है या क्रिश्चियन है, क्या है बताइए? क्योंकि हमें सारे जाति को बरगलाया जा रहा है, हमें मुसलमान के नाम पर नहीं, हर जाति को, जितने पिछले जितने लोग हैं पिछले वर्ग के, सारे लोग को धीरे धीरे आगे करके, एक एक जाति को आगे कर करके इसी तरह से बरगला कर उनकी हस्ती को मिटा दिया जाएगा इस देश से। मेरे भाइयों, नौजवानों, जिस दिल में अगर शोला जल रही है उसे बुझने मत देना, क्योंकि ये शोला अगर जितनी भी दूर तक रोशनी जाएगी हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन इस कामयाबी में बहुत रोड़े आएगी, लेकिन इसे घबराना नहीं। क्योंकि हमारे शौहर कहते थे कि अगर जो लोग ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे, भरोसेमंद होंगे, वो कभी नहीं घबराएंगे, वो अपनी भूख को मारकर, अपने हर ख्वाहिश को मारकर, अपनी जवानी के ऐशो आराम को रोककर अपना सारा वजूद को खोकर इस समाज में दिया है उन्होंने। उस तरह से उसे